Okay, so good afternoon students. So today the topic of our class is numerical computation and estimation, and we are going to study series under this heading. So starting with So first of all, let's understand what do we mean by series, or इसमें कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और फिर also solve similar questions. One minute. I guess someone is trying to join. Okay. So सबसे पहले series में क्या आएगा? सीरीज में क्या आएगा? A numerical series is given in which a specific number is missing. तो सीरीज मतलब न्यूमेरिकल सीरीज. नाउ न्यूमेरिकल सीरीज में हम लोग कैसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि जिसमें वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सच क्वेश्चंस इन दिस वेयर सम नंबर्स विल बी मिसिंग. मतलब एक सीरीज दे देंगे, वो सीरीज का कोई पर्टिकुलर पैटर्न होगा. तो मे बी इट्स maybe they may be in factorial form, हो सकता है कोई multiplication form में. so there are various patterns in which the numbers will be given to you. so you have to identify the pattern और accordingly missing number को find करना होता है. second चीज जो होगी, you are required to find out the missing number. third, a complete numerical series is followed by an incomplete numerical series. मतलब एक series दी जाएगी, उसमें half of the series will be a completed one. And further, the remaining half of the series will be incomplete series. And you have to identify कि जो complete series है उसमें कौन सा pattern follow हो रहा है. So 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7. That means they are leaving one number. 3 के बाद 4 leave कर दिया तो 5 आ गया, 5 के बाद 6 छोड़ दिया 7 आ गया. So ऐसे करके आपको pattern identify करना है. And you have to complete the remaining series. That is your work over here. Now you need to solve that incomplete numerical series in the same pattern in which the complete numerical series is given. The same thing that I told just now. Next, number series aptitude questions present you with mathematical sequences that follow a logical rule based on elementary arithmetic. Based on elementary arithmetic, मतलब हो सकता है कि कुछ questions में maybe in some questions first term is 3, then second term is 9. थर्ड टर्म इज 81. मीन्स वॉट इज हैपनिंग, पहले नंबर का स्क्वायर सेकेंड टर्म है, सेकेंड नंबर का स्क्वायर थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म का स्क्वायर मे बी दी फोर्थ टर्म. सो यू हैव टू चेक कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है. सो ओवर हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री अरिथमेटिक ऑल्सो कम्स इन टू पिक्चर. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली कौन सा पैटर्न वहाँ फॉलो हो रहा है. अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू फाइंड द रिमेनिंग सीरीज एज वेल. नाउ लेट्स सी सम, नाउ विल जस्ट work on some of the questions here. Now I want you people to write all these questions in your book. अगर होता है तो मेरे साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, और नहीं तो फिर क्वेश्चंस लिख के रखो, एंड यू कैन राइट डाउन द फाइनल आंसर, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन देन सॉल्व ऑन योर ओन. सो नाउ सी, फर्स्ट क्या है, 5, then 12, 23, 50 and 141. Now you need to just wait. I guess my screen is not visible. I'll reshare my screen. ना, सो सी, फर्स्ट नंबर क्या दिया है, 5, 12, 23, 50, 141. यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई कि सीरीज इंक्रीजिंग फैशन में जा रही है. यू कैन सी दैट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द नंबर्स आर इंक्रीजिंग. ओके, 5 से 12 हो गया. सो ट्राई टू अप्लाई द लॉजिक. सी व्हाट इज द क्वेश्चन, द फॉलोइंग सीरीज आर बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक पैटर्न. इन दिस सीरीज वन नंबर इज रॉन्ग, फाइंड दैट ऑड वन. They are saying कि ये सीरीज में एक नंबर ऑड है, यू हैव टू फाइंड दैट नंबर.
नाउ लेट्स सी कि ये पैटर्न कैसे सॉल्व होगा. तो यू कैन सी हियर मैंने सीरीज को यहाँ ऊपर लिख दिया है 5, 12, 23, 50 एंड देन 141. देन ये वाली प्लेस हमको फाइंड करनी थी, दिस वाज द क्वेश्चन मार्क. नाउ यू कैन सी 12 माइनस 5 गिव्स मी 7. हियर इट गिव्स मी 11. 23, 50, 27 और 141 में से 50 निकाल दे तो 91. सो यू कैन सी 7, 11, 27, 91, 347. सो दिस नंबर आई डोंट नो फॉर नाउ. ओके सो ये वाला पोर्शन हम अभी के लिए छोड़ देते हैं. ओके एक्सक्लूड दिस पोर्शन फॉर नाउ क्योंकि हमें अभी तक पता नहीं है कि राइट साइड में जो नंबर्स दिए हैं. Is my screen visible? You can just write it down in the chat box if it's visible. Yes or no? No, ma'am. No, ma'am. Okay, 1 minute. Okay. Fine. Now I'll continue. So, yes. So, मैं ये कह रही थी कि पहले मैंने जो गिवन सीरीज है मैंने इसको एज इट इज लिख लिया 5, 12, 23, 50 एंड 141. The last place is blank, जिसको मैंने सर्कल किया ये हमें फाइंड करना था. ओके सो एक्सक्लूड दिस पोर्शन. सो ये जो लाइन मैंने स्लैंटिंग लाइन बनाई है इसके राइट साइड का पार्ट एक्सक्लूड कर दो. नाउ आई अंडरस्टैंड कि 5 और 12 के बीच में जब छोटा छोटा डिफरेंस अगर नजर आता है, जैसे 5 और 12 के बीच में 7 का डिफरेंस है, तो यू कैन गो ऑन identifying their differences. So be 12 minus 5, 7, 23 minus 12, 11, 50 minus 23, 27, 141 minus 50, 91, और फिर remaining उसको बाद में देखेंगे. तो अभी 7, 11, 27, 91, इसमें कोई pattern नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है हमें. पहला 7 था, दूसरा 11 है. Maybe 7 plus 4, 11 किया होगा. Let's check. But 11 plus 4, 27 नहीं. Maybe यहाँ पर 7 प्लस 4 करके 11 आया हो सकता है कि 11 प्लस 4 नहीं बट 11 प्लस 5 होता है. नहीं मतलब नथिंग इज गोइंग फॉर दी सेकेंड लाइन, मतलब सेकेंड लाइन भी हमारा फाइनल नहीं है. तो विल अगेन गो ऑन सब्ट्रैक्टिंग. सो 11 माइनस 7 4, 27 माइनस 11 16, 91 माइनस 27 64. नाउ आई कैन सी दैट दिस इज 4, दिस इज 4 टू द पावर 1, दिस इज 4 टू द पावर 2, this is 4 to the power 3 and so on. So you can see कि यहाँ पर हमें कुछ एक pattern दिखाई दे रहा है. यहाँ पर फिर 4 to the power 4 हो जाएगा. That means 64 into 4, you will get it 256. Accordingly, जब ये number मिल जाए 256 अगर आपको मिल जाता है ये number, उसके बाद पिछली वाली step करना. मतलब 256 आने के लिए you will have to add this 256 with 91 so that you get this number, because ये भी unknown है. ये number पता चल गया but ये unknown था. 247 was unknown, तो 256 में हम 91 add कर देंगे तो 247 आ गया. फिर अभी ये step हो गई, मतलब मैं descending में जा रही हूँ. First I did this step, now I'll do this step and then I'll do this step. अभी मैं final question पे आऊँगी. तो अभी 91 और 256 को add करके 347 बन गया. अब 141 plus 347 करना पड़ेगा तो आई विल गेट दिस नंबर विच आई हैव नीडेड. सो ओके सो दिस नंबर आई गॉट 141 प्लस 347, तो मुझे 488 मिल गया जो मेरा आंसर था. सो डी वॉज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. सो आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग. यू जस्ट राइट डाउन दिस क्वेश्चन, अदरवाइज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज. डिफरेंस अगर कम दिखते हैं तो सब्ट्रैक्ट करके देखो या ऐड करके देखो, मे बी ऐसे कुछ रिलेशन उसमें होगा. अगर नंबर्स बड़े होते हैं तो मल्टीप्लाई या फिर फैक्टोरियल या फिर स्क्वायर क्यूब ऐसी पैटर्न्स आपको दिखेंगे. विल सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ सी ओवर हियर 7, 13, 25, 45, 75. द नंबर्स आर अगेन इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. नाउ आई हैव टू सी कि मे बी इनका डिफरेंस फाइंड कर लूँ तो आई अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है. सो आई जस्ट टेक दिस थिंग.
सेवन थर्टीन ट्वेंटी फाइव फोर्टी फाइव ओके इतना ही रखते हैं। तो सेवन माइनस थर्टीन करके देखेंगे तो सिक्स आएगा, ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेल्व करेंगे तो ट्वेल्व आएंगे, दिस विल बी ट्वेंटी। तो सी देयर इज नो डेफिनेट पैटर्न, पहले तो सिक्स और ट्वेल्व आने के बाद आई थॉट कि मे बी दिस इज सिक्स वन जा सिक्स, दिस इज सिक्स टू जा ट्वेल्व एंड मे बी हियर सिक्स थ्री जा एटीन आ जाता, बट नहीं, दिस पैटर्न इज नॉट गोइंग प्रॉपरली, दैट मीन्स दिस इज द रॉन्ग मेथड। सो सी वॉट वी कैन डू ओवर हियर, सेवन पहली टर्म है सेवन, ठीक है, तो सेवन्थ में अगर मैं ऐड कर दूँ टू थ्री जा सिक्स, दैट मीन्स सेवन प्लस सिक्स गिव्स मी थर्टीन, जो हमने किया था सेवन और सिक्स को ऐड करके थर्टीन मिला था, दिस इज वॉट वी अंडरस्टूड, वी आइडेंटिफाइड, बट नेक्स्ट स्टेप हमारी गलत हो गई। सो सी यस, बट स्टिल वी वर ऑन द राइट ट्रैक, सेवन प्लस टू सेवन प्लस सिक्स हो गया यहाँ पर थर्टीन, देन थर्टीन प्लस ट्वेल्व हो गया ट्वेंटी फाइव, वी आइडेंटिफाइड द सेम थिंग थर्टीन प्लस ट्वेल्व, बस इसको लिखने का तरीका जो था वो अलग था, कि सिक्स को लिखेंगे टू थ्री जा, फिर ट्वेल्व विल बी रिटन एज थ्री फोर जा, ट्वेल्व विल बी रिटन एज थ्री फोर जा, फिर फोर फाइव जा, फाइव सिक्स जा, सिक्स सेवन जा, तो ऐसे करके हमको फाइनल टर्म आ गई वन वन सेवन। सो इवन इफ आई वॉज गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, सिक्स ट्वेल्व ट्वेंटी आ गया था, तो इसको हम लिखेंगे फोर फाइव जा, बट ये चीज ध्यान में नहीं आई लिखते वक्त, आई जस्ट वेंट ऑन आइडेंटिफाइंग की सिक्स वन जा सिक्स हो रहा है, सिक्स टू जा ट्वेल्व हो रहा है, बट सिक्स थ्री जा एटीन नहीं आ रहा, मतलब कहीं तो पैटर्न गड़बड़ रहा है। यहाँ पर अगर सेवेंटी फाइव लिख देते तो सेवेंटी फाइव माइनस फोर्टी फाइव विल बी थर्टी, सेवेंटी फाइव माइनस फोर्टी फाइव वुड हैव बीन थर्टी, तो इनका डिफरेंस आ जाता थर्टी, फिर भी मेरा आंसर नहीं आता था, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि सिक्स फोर जा ट्वेंटी एट आना चाहिए था, 24 आना चाहिए था, बट इट केम 30, दैट मीन्स 6 5 आ गया, तो ये पैटर्न नहीं जा रहा था, बट आई शुड हैव ट्राइड द नेक्स्ट वे, आई शुड हैव ट्राइड दिस पैटर्न, ओके। सो ऐसे ही कोई भी टाइप का आपको पैटर्न आ सकता है, लाइक दिस दिस पैटर्न नाउ इज गोइंग प्रॉपरली, सी 2 3 जा 3 4 जा 4 5 जा 5 6 जा, नेक्स्ट आएगा 6 7 जा, तो 6 7 का कितना आएगा 42, तो 42 को 75 में ऐड करेंगे तो 117, सो दैट्स This is the answer. 117A is the answer. Understood? You can take a screenshot of the same. So, ऐसे करके आपको identify करना है. अगर but यहाँ पर भी हमारा subtraction वाला ही pattern follow हुआ है, फिर we can say addition वाला. But उसको फिर अंदर multiplication में डालना था. ये click होना चाहिए, which we were not able to do. Okay? Now. नेक्स्ट 4 11 19 41 और फिर बीच में ब्लैंक दे दिया, नेक्स्ट नंबर इज 161। नाउ सी हाउ टू डू दिस, 4 11 19 41 देन हियर इज ब्लैंक 161। नाउ लेट्स सी, 11 माइनस 4 विल बी 7, 19 minus this is 8, but अचानक से अभी 41 minus 19 अगर करने जाओगे तो नंबर बढ़ा रहा है, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग, पहले 7 8 ऐसे जा रहा था, अभी 41 minus 19 कितना आता है 22, yes 22 will be coming here, तो पहले पहले ये मुझे पहले लगने लगा कि ये एक एक के डिफरेंस में जाएगा, मे बी यहाँ 9 आ सकता है, बट नहीं, नंबर एकदम से 19 से 41 जब हो गया तो डिफरेंस भी उनका बढ़ा गया 22। नाउ व्हाट शुड कम हियर सो दैट आई गेट दिस नंबर एंड आप आल्सो यस एंड आल्सो यहाँ पर ऐसा नंबर कौन सा आएगा जो कि ये फिट होगा। अब ये कौन सा पैटर्न है, इज दिस एनी पैटर्न दैट आई कैन एक्सपेक्ट that I can use to find the unknown term? No. So I'll have to think something different. Now, अगर 4 है तो maybe it's it may be 2 square, maybe 2 square, ठीक है? 2 square 4 मिल गया. 11, maybe 3 square plus 2, so maybe 3 square plus 2 that gives me 11.
But what about this? It may be 4 square, 16 plus 3 gives me 19. See, कुछ तो दिख रहा है बट यहाँ 2 के आगे कुछ 1 या कुछ आना चाहिए था. ओके इट्स नॉट कमिंग. 4 हो गया. फिर 5 का स्क्वायर 25. 25 प्लस ये नहीं बिकॉज 41 इज वेरी बिग नंबर. सो लेट्स सी व्हाट शुड कम हियर. सी 4 इंटू 2 प्लस 3. नाउ व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग या व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग एंड व्हाट इज इन द आंसर द पैटर्न इज टोटली डिफरेंट. यू कैन सी 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है. पहले 4 को 8 बना दिया एंड देन यू ऐड 3 इन दैट बिकम्स 11. ओके 4 इंटू 3 4 इंटू 2 प्लस 3 11. फिर 11 जो सेकेंड टर्म थी ये 2 कॉन्स्टेंट है. दिस 2 रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड दिस नंबर बिकम्स प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. सो इन लाइकवाइज वी गेट द आंसर. So 11 into 2, 22 minus 3, 19. फिर 19 into 2 plus 3. So plus 3 होगा पहले, फिर minus 3 alternatively. Sign यहाँ पर change कर दिए, but 2 को constant रखा है. तो ये इतना pattern समझने के लिए you will have to practice more questions. Okay? Otherwise starting में you can try like this. Maybe sometimes this can also work. So the answer is C, 79 over here. Next, find the next number in the given series. Now we have to find the next number. Again, you can see 79 smaller number than 152, very big. So near, we can't say double, but still, it's very big. Then we can see yahan par fir decrease ho gaya. 152 se number छोटा हो गया. फिर 188 से डायरेक्टली फिर से बड़ा हो गया 142. अगेन अ स्मॉल नंबर एंड देन अगेन अ बिगर नंबर. सो जस्ट ऑब्जर्व द पैटर्न केयरफुली. नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन दिस. अभी यस सो अभी इसमें क्या होगा. अभी पहला नंबर था 79. इफ आई एड 9 इन दैट आई गेट 88. मतलब रिलेशन किन में मिल रहा है. दिस इज अ बिगर नंबर, थ्री डिजिट नंबर. थ्री डिजिट नंबर के ऑल्टरनेटिवली थ्री डिजिट नंबर रिपीट हो रहे हैं. मतलब इन में ही कोई रिलेशन है. ओके दे हैव सम कॉमन पैटर्न दैट दे आर फॉलोइंग. ये बोला हाँ सो दीज आर थ्री डिजिट नंबर दैट मीन्स दे आर फॉलोइंग सम पैटर्न एंड दीज आर टू डिजिट नंबर सो दे आर फॉलोइंग सम पैटर्न. सो 79 एंड 88 व्हाट इज द पैटर्न दैट दे आर डूइंग. 79 प्लस 9 88. 79 प्लस 9 gives me 88. Then 88 plus how much will give you 99? That is 11. So 88 plus 11 is giving me 99. And similarly यहाँ की टर्म आएगी तो भी 9 11 कितने का डिफरेंस है 2 का. मतलब यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस होगा. मतलब मे बी यहाँ 13 ऐड कर सकते हैं हम. 99 plus 13 will give you 1 1. That is the right answer. See, 112 is the right answer. Understood. So I just went on identifying this pattern. If I exclude this, if I don't consider this, then also I'll get the answer because the unknown term thi, wo two digit numbers mein se hi evolve ho rahi thi because alternatively two digit number ka find karke we are going to find the unknown term. Okay. So this was a bit simple. You can just write down the question or you can take screenshot. If you want, write down the explanation also. Okay, next. Now the question is, first place में ही blank दे दिया है. 167, 189, 222, 266, 321. Now see, first में क्या pattern follow होगा. जैसे मैंने तो यहाँ लिख दिया 156 plus 11, but how come this came? 189 minus 67 करके देखना पड़ेगा. So I'll get 22. Okay, then 222 minus 189 will give me 33. Then
266 minus 222 will give you 44. Now you can see there is a common pattern that they are following. 22, 33, 44, and maybe here it's 55 then. Yes. That means our logic work कर रहा है. So अगर 22 से start हो रहा है तो sequence starting में 11 आना चाहिए. So 167 माइनस 11 जो करेंगे 167 माइनस 11 अगर करेंगे तो विल गेट द फर्स्ट टर्म. विल डू हियर सब्ट्रैक्शन दैट गिव्स मी 156. दैट मींस द फर्स्ट नंबर हियर शुड बी 156. उसमें अगर 11 ऐड करते हैं तो विल गेट द सेकंड नंबर. इफ यू ऐड 22 देन यू विल गेट द थर्ड नंबर एंड सो ऑन. सी हियर द पैटर्न. ओके सो सी इज द राइट आंसर. तो यहां पर भी सारे 3 डिजिट नंबर्स थे सो स्टिल आई वेंट फॉर सब्ट्रैक्शन बिकॉज सारे ही 3 डिजिट नंबर में बहुत डिफरेंस नहीं था. 67 की रेंज में था तो दूसरा 89. सो मे बी आई थॉट कि सब्ट्रैक्ट करके उनमें कॉमन कुछ नहीं कर जाए. यू सो यहाँ पूरा 11 का टेबल चल रहा है. ओके इफ आई वांट टू आइडेंटिफाई अगर यहाँ के आगे का नंबर पूछते तो आई वुड हैव एडेड 66 एंड आई वुड हैव गॉट द अदर नंबर हियर. ओके नाउ quickly write down this question. It's very simple but still a different one. Okay, next. Now look at this series. 53 53 40 40 27 27. Okay, abhi what should be the number that should come next to 27? You can see here two numbers same ho rahe hain. पहले 53 फिर 40 सेम जा रहा है फिर यू कैन सी 27 27. तो यहाँ का अगला पैर भी जो होगा वो सेम आना चाहिए. विच नंबर विल कम नेक्स्ट इन दिस सीरीज? ईच नंबर इज रिपीटेड देन 13 इज सब्ट्रैक्टेड टू अराइव एट द नेक्स्ट नंबर. तो यू कैन सी 53 और 40 में है 13 का डिफरेंस. 40 और 27 में भी है 13 का डिफरेंस. यू आर अगेन सब्ट्रैक्टिंग 37 सो 13 माइनस so 53 minus 13 gives 40, 40 minus 13 gives 27 and 27 minus 13 gives me 14. That means my next pair should be of 14 14. That is the right answer. Okay, I'll just erase this. You can write down this question. Maybe another question can come जहाँ पर ये 53 53 ऐसे दो बार लिखे. Maybe they'll give it three times. So they can give you 53 53 53. And then they'll give you 40, 40, 40. So ऐसे कुछ भी follow कर सकते हैं या फिर they can even change. अभी ये तीनों numbers same ना रखते हुए they can change the middle number as well. They can change this number. Yes. So they can change this number, the middle one. Or here also they can change this number. Okay, I went on you. Fine. So next, so this is the another pattern that can be followed. Next question is, look carefully for the pattern and then choose which pair of numbers comes next. Which pair of numbers comes next? Now first is 42, 42 and then 40. Okay,
यू कैन सी 42 और 40 के बीच में 2 का डिफरेंस दिख रहा है, 2, 40 एंड 38 अगेन 2, डिफरेंस ऑफ 2, 38 एंड 5, 3 का, सॉरी 3 का डिफरेंस है, नॉट 5, 3 का डिफरेंस है, 35, 32 में अगेन 2, हियर अगेन 2, हियर अगेन 3, यू कैन सी दिस इज एन ऑल्टरनेटिंग सब्ट्रैक्शन सीरीज इन विच 2 इज सब्ट्रैक्टेड ट्वाइस, देन 3 इज सब्ट्रैक्टेड वंस, देन अगेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड ट्वाइस एंड सो ऑन. दिस सीरीज इज रिपीटिंग. दैट मीन्स आफ्टर 28 आई हैव नीड टू ऐड 2 इन दिस टू फाइंड द नेक्स्ट नंबर. No, I'll have to subtract 2. Sorry, this is subtract, so you can give your sign of minus. Minus 3. Minus 2. So 26 minus 2, 28 minus 2, 26. And to get the next number again, I'll have to subtract 2. That means 24. If I need to find the next number after this, I'll have to subtract 3. And this will be 21 then. But I need this as my answer. Let me see if the correct answer. Understood? Still here? Okay. So these were some easy questions that we were doing. Now see. What was the question? We have to carefully see, look at the pattern, and we have to choose a pair which will come next. That means at the last. Here also the same thing. And here if you see, 6 plus 4 will give me 10. 10 plus 4 will give me 14. 14 plus 4 will give 18. 18 plus 4 is 22. 22 plus 4 is 26. Plus 4 is 30. And again plus 4, then it will give me 34. Then next number will be 38. So that means E is the correct answer. 34, 38 is the right answer. Okay. So very simple question. I didn't give you time to write this. You can just quickly write down this question and also the next one then. Also note down this question. Now just think of this question once. They say find the number that fits somewhere into the middle of the series. Some of the items involve both the numbers and letters. Now tell me what. Now just see. Anyway, I have given the answer below, but still you can think on your own and understand ki ye pattern kaise aaya hoga. So over here you can see ki pehle F and 2. So first they are giving an alphabet and followed by a number. So you should be able to understand ki F ke baad kya aa raha hai. D directly C. That means it's going in descending order. मतलब यहाँ पर E missing है. So maybe the option here will be E4 or E3. So E तो आएगा blank space में. That's fixed. But number, which number will come? 2. 2 के बाद blank. Then 8. 8 and 16 के बीच में कितना difference है? Maybe this is going in 2 ones are 2 twos are 2 square. 2 square में चल रहा है. तो 2 first and then multiplied by 2, so 4. E4 अगर लेते हैं multiplied by 2 in this, then 8. 8 to the 16, 16 to the 32 and likewise. So multiply by 2 here also. You have multiplied by 2. Okay, the letter, the alphabet is decreasing by 1, but the number are multiplied by 2 further. Okay, so write down this.
write down this quickly. Now see the next series. Again, alphabet and followed by number. Look at the series 14, 16. See. What is the series? J, L, M, N, O, P. Likewise. Okay, so I, J, K, L. Okay, K, J और K के, J और L के बीच में अल्फाबेट कौन सा मिसिंग है? K. Then after L also one number should be missing, one alphabet should be missing. So J, K, L, M. Maybe here N should come. N में दो options है, N 18. N 18 is the only option. So maybe this is the right answer, but still don't go for it. Just check once. ये number भी match हो रहा है. 14 and 16, two का difference. 16 and 18, if we are considering this option, again two difference, and then 18 or 20 के बीच में two, 20 and 22 के बीच में भी two का difference. That means this is the right answer. तो ये फिर भी थोड़े easy questions हो गए, but still ऐसे ही alphabet followed by numbers का sequence अगर आता है, so you should be able to identify. Okay. अभी इसके बाद का नंबर भी अगर पूछते हैं तो P Q R S and the number that comes next should start with T. 22 and 24. So T24 will be the option if they ask you about the last line. What number should come at the last line? Then it will be T24. And in between it should be N18 over here. Okay. Next, look at the series U32, V29. Now, see, 32 and 29. There is a difference of 3. 29 and this number I don't know about this also. 23 and 20 again 3 difference. Some of the यहाँ पर भी 3 का होना चाहिए. तो 29 minus 3 5 को तो 26 आना चाहिए. 26 अगर आता है, तो I have two options. W26 otherwise Z26. Now U V W X Y Z. So it is going in alphabetical order. That means W26 is the right answer. So this was another easy question. Just write it down. An easy question, I'll just write it down here. Suppose there is a question, 7, 10, 18, 11, 9, 12, and so on, okay? Now you have to identify the right answer that will come next. That means after 12, what will be the number here? We have to identify. So what you will do? This is simple. You can just see 7 and 10. In ke bich mein kitne ka difference hai? 3. So if you add 3 in 7, 10. 10 and 18 plus 8. In the second pattern, that is, this should be 8 only. Yes. Now, I will not write it here. We'll use the next page. So the question is 7, 10, 8, 11, 9, 12, and then a blank. Now see,
सेवन प्लस थ्री टेन, टेन माइनस टू एट, एट प्लस थ्री इलेवन, इलेवन माइनस टू नाइन, नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व, एंड नेक्स्ट विल कम ट्वेल्व माइनस टू, दैट विल बी टेन. सो टेन विल बी द आंसर हियर. सो यू कैन ऑब्जर्व कि क्वेश्चंस ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस कैन आल्सो कम अल्टरनेटिवली. थ्री टू थ्री टू का सीरीज चल रहा है. If I go for the next question here, if I say 36, then 34, 30, 28, 24, and now what will come here? Yes, what will come in after 24 that I have to find. So 36 minus 34 will give me 2. Let's just check if the sequence works. 34 minus 4 gives 30. 30 minus 2 again gives 28 minus 2. 28 minus 4 gives 24. Now 24 minus 2 will give me 22. So 22 is the right answer. Okay, some of the easy questions that you are doing. Just write down these questions. Now, let me write another question here. Now, suppose the next question is 58. 52, 46, 40, 34, and I have to again identify what will come in the next blank. So 58 minus 56, let's see, minus 6, okay, 52 minus 6 against 46, so this is also very simple. 6 minus 6 करते जाएंगे तो विल गेट द नेक्स्ट नंबर. सो मे यूर ऑल्सो माइनस सिक्स. सो 34 माइनस सिक्स विल गिव मी 28. ओके, नाउ विल जस्ट नाउ आई गिव यू अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू सॉल्व. Now suppose there is a series 21, first number is 21, 9, again 21, 11, again 21, 13, again 21, and then blank. Now see, you can see in this pattern alternatively 21 ko constant rakha hai. So now see over here, if you see to this question, you can see alternatively in this repetition series 24 number is randomly coming, and you can also see that it has been interpolated after every other number. And therefore, we'll only pay attention towards the alternate numbers. So 9 and 12 plus 2, 11 and 13 plus 2, 39 plus 2, 15. So 15 should be the answer here. Okay, it was an easy question. Now, let's see another question. अब भी decimal points का देखेंगे. Suppose the first number is 1.5, next is 2.3, this point in between, okay, 1.5, 2.3, 3.1, then 3.9, comma and blank.
Now see what we have to look at the series and we have to identify what number will come next. So 1.5 ke baad 2.3. So you can identify ki maybe subtraction ka pattern yahan follow hota hai. So 1.5 plus 0.8 because I can see 2.3 minus 1.5 agar karu to 1.8 aayega. Now let's check if this follows for the second number also. So 2.3 plus 0.8 gives me 3.1. So yes, it is correct for second. Now third, again 0.8, right? So same will go for 3.9. 3.9 plus 0.8, 4.7. That means 0.8 is the right pattern. Okay. And keep on writing these questions in your notebook. Okay. Now, suppose 14, then 28, then 20. 40, 32, 64, blank. Now what number should come after 64? So 14 pehla number hai, second 28. So first thing that will come to my mind is 14 to 28. So maybe this pattern follows, but third number 20 hai. So 14 ka table to follow nahi ho raha hai. So yahan par kya hoga? But still you can see that there, over here also there should be some alternating multiplication. 20 ke baad 40, or maybe there is some relation between 28 and 32. So initially jab nahi pata ki pattern kya ho, to jaise bhi jis bhi numbers mein aapko koi pattern nazar aata hai, you can think about that and see ki agar alternatively wo pattern follow ho raha hai. So alternatively you can see there is multiplication and also subtraction in the series. First you have to multiply 2. So jaise I identified ki 14 into 2 if I do, I'll get 28. But 28 or 20 ke beech mein koi difference nahi hai. But let's see, inke beech mein koi difference nahi hai. But 20 or 40, 28 or 20 mein minus 8 agar ho, to 20 aata hai. 20 और 40 के बीच में अगर 2 मल्टीप्लाई कर दूं फिर से तो 40 आएगा. 40 और 32 के बीच में अगर माइनस 8 कर देंगे तो इट्स करेक्ट. 32 इंटू 2 देन 64. नाउ 64 माइनस 8 शुड गिव मी द नेक्स्ट नंबर दैट विल बी 56. यस 56, विच मीन्स पहले मल्टीप्लीकेशन फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन फिर सब्ट्रैक्शन. तो these are some of the patterns that can be asked in the exam. Now we will check for some bigger numbers, 3-digit numbers lete hain, decimal number ho gaye. Next is for 3-digit number. Let's see. First number is suppose 20. No. Suppose 544. Then 509. Then 474. Then next is 439. And now what number will come after 439? Now we can see that this series is going in decreasing order, left to right. So pehle 44, just let's take this last 2 digits, 44 or 49. So maybe there is subtraction here again. That's a simple subtraction. So 44 minus 9 will give me 35 here. Minus 35. Now 9, that is 509 minus 35
will give me 474. Just check that. Just check if this is happening. 509. Let's quickly check if this is correct. Minus 35. So 9 minus 5 gives 4. 50 minus 3 gives 47. That means 474 आ गया. 474 minus 35 करके देखेंगे again. 439 आएगा. And similarly, similarly 439 minus 35 404 will be the answer. 404. Okay, तो यहाँ पर भी minus 35 follow हो रहा है मतलब, and so the final answer will be also 404. So 404 is the correct answer over here. Before taking more questions on the same, हम first एक बार revise कर लेंगे कि हमने कौन से pattern सीखे हैं. अगर किसी का कोई क्वेश्चन छूट गया हो कॉपी करने का तो यू कैन राइट इट डाउन. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फॉलोइंग सीरीज. एक सीरीज दी जाएगी उसमें कोई तो ऑड नंबर होगा. यू हैव टू फाइंड द ऑड नंबर वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. सो 5, 12, 23, 50, 141. हमने क्या किया था पहले तो छोटे छोटे इट्स वन डिजिट नंबर एंड देन इंक्रीजिंग टू टू डिजिट नंबर. सो मे बी सब्ट्रैक्शन कैन वर्क हियर. तो पहले इनिशियली हम लोग सब्ट्रैक्शन या एडिशन चेक करेंगे. सबसे पहले स्टेप होगी सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन. अगर ये दोनों नहीं हो रहा है, अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मतलब इनिशियल नंबर अगर 5 है और सेकेंड नंबर इज डायरेक्टली 35 और समथिंग या फिर 37, तो नंबर अगर एकदम से बड़ा हो जा रहा है 30 या उससे ज्यादा, तो यू कैन ट्राई फॉर मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन के पैटर्न फॉलो नहीं होते तो यू कैन गो फॉर डिविजन. If still the number is more, so initially अगर number का cube भी हो सकता है, number का cube pattern भी हो सकता है. मे बी पहले 2 दिया है, फिर 8 दिया है, फिर 8 का फिर आगे cube दिया है. So you can check for that. अगर number बहुत बड़े हैं, difference बहुत बड़े हैं, तो factorial भी आ सकता है. So first step that you will check is whether it's plus or minus. Second step that you can check is whether it's multiplication or division. Okay. Third, you can go for factorial. You have to check whether it is factorial of some. Maybe it's a factorial. Okay. Factorial. तो फैक्टोरियल भी हो सकता है, या फिर अगर फैक्टोरियल नहीं है तो नेक्स्ट आफ्टर दैट द फोर्थ थिंग दैट यू कैन चेक इज वेदर इट्स अ स्क्वायर. तो स्क्वायर होकर फिर उसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन दैट कैन आल्सो बी फॉलो. स्क्वायर के साथ इन एडिशन प्लस माइनस पैटर्न भी फॉलो हो सकते हैं. इफ इट्स स्टिल अ बिगर नंबर देन क्यूब, चेक फॉर क्यूब्स. ओके, दीज आर द फोर steps that you can go for checking the right pattern. Next, again it was okay. यहाँ पर हमने पहले addition try किया, but addition करते समय we identified कि 6 and 12 is going in the series, but 20 and 30 फिर नहीं match हो रहे थे. तो उसको internally फिर multiplication में तोड़ के try करो. तो 2 3 जा, फिर 3 4 जा, तो ये number same है. This number is going same. Likewise, you can identify the further numbers also. Then next, 411. Okay, ये question में क्या था? Squares. हमने पहले try किए थे कि squares हो रहे क्या? But squares were also not matching. So what we went for? 4 plus 4 into 2. We kept this 2 constant and then 3 went alternatively, plus and minus. Next, this was simple. ऑल्टरनेट नंबर्स का एडिशन, टू डिजिट नंबर्स के साथ रिलेशन चेक. अगर टू और थ्री डिजिट नंबर्स एक ही सीरीज में दिए हैं तो चेक फॉर अ पैटर्न इन बिटवीन टू डिजिट नंबर्स ओनली एंड सेपरेट पैटर्न फॉर थ्री डिजिट नंबर.
ओके सो वी वर आइडेंटिफाइंग, अभी आपके पास क्वेश्चन होगा ही, सो यू कैन जस्ट चेक कि 6, 10, 14, 6, 10, 14 और फिर 18, 22, 26, 30, ये ऐसे पैटर्न था, उसमें हमने 4, 4 के डिफरेंस में किया। तो ऑलवेज इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल हैव टू चेक कि लॉजिक, टाइम पे लॉजिक सही लगना चाहिए। अगर अगर आप ट्राई कर रहे हो एडिशन और अगर नंबर्स बहुत बड़े हैं तो यू कैंट गो ऑन एडिंग दैम कंटिन्यूअसली, ठीक है? सो यू विल हैव टू चेंज इट। तो उसके हिसाब से इसलिए मैंने बताया कि एक तो पहले सीरीज देखने के बाद यू फर्स्ट आइडेंटिफाई कि वेदर दे आर वेरी बिग नंबर्स और दे आर गोइंग इन डिसेंडिंग। और वेदर दे आर जस्ट गोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर और दे आर गोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। सो जस्ट आइडेंटिफाई देयर पैटर्न फर्स्ट एंड देन अकॉर्डिंगली ट्राई टू सॉल्व इट। अगेन शेयर माय स्क्रीन। If anyone has any doubt, they can simultaneously ask me the questions. Otherwise, I'll continue over here. और अगर अल्फाबेट और नंबर की पैटर्न्स है, अगर अल्फाबेट है फॉलोड बाय नंबर्स, देन यू विल हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई अल्फाबेट का पैटर्न। दिस विल बिकम इजी फॉर यू। अभी जैसे यहाँ पर ई के बाद एक लेटर मिसिंग था और फिर डी, दैट मीन्स दे आर गोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो आई जस्ट प्रेडिक्टेड कि मे बी ई शुड कम देयर एंड आफ्टर दैट डी सी बी, दैट मीन्स आई वॉज करेक्ट। बट दी नंबर्स देन, सो इफ फर्स्ट इट इज टू, देन इट इज गोइंग इन इन मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लीकेशन पैटर्न। सो टू वन्स आर फर्स्ट, देन टू टूज आर, देन टू थ्रीज आर, टू फोर्स आर, एंड लाइक वाइज टू टू ट्वेल्व। Next was also in the same pattern, again alphabet and number, same here also. So even they can ask you for two blank spaces. Okay, so yahan par they can ask you this blank and also this blank. Ye blank puchte to you should be able to answer. So jaise y ke paas z aayega to I told you this may be the answer over here. Okay, 32 minus 3 and 29 minus 3, say 26 aayega yahan par, 26, and then next 26 minus 3, 20 minus 3, aise. So yahan par z to aa jayega, but 26 won't come here, it will be 17 or something. So anything, there can be two blank spaces also. That's what I meant.